बेगूसराय में पुलिस ने तीन अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर छह अपराधियों को एक देसी कार्बाइड सहित नौ हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ऑपरेशन और सदर डीएसपी के नेतृत्व में मटिहानी थाना के सिहमा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बनाते राम बालक यादव व सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कार्बाइड, चार देसी कट्टा, नौ कारतूस और बाइक बरामद की है। यानी थाना क्षेत्र के सीमा गांव की है, जहां पर एडिशनल एसपी सदर और एसपी ऑपरेशंस के संयुक्त नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक देसी कार्बाइन, चार देसी कट्टा और कुछ जिंदा गोली बरामद की गई है। एक राइफल की मैगजीन भी बरामद हुई है। इसमें कुल दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके बारे में आपराधिक इतिहास में पता करने की का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग इकट्ठा हुए थे किसी की हत्या करने के प्रयास से, जिसको विफल किया गया है पुलिस की कार्रवाई के द्वारा। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट का एक मोस्ट वांटेड सुमंता अपराधी है, उसके बारे में खबर प्राप्त हुई थी, जिस पर एडिशनल एसपी सदर और थाना अध्यक्ष टाउन के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी की है। सुमंता के रिश्तेदार है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से दो पिस्टल, देसी पिस्टल और जिंदा गोली बरामद हुई है। उससे पूछताछ करके आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी उपलब्धि बकरी थाना क्षेत्र की है, जहां पर एसएचओ के द्वारा रेड करते हुए दो देसी कट्टा और 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एक अमरजीत महतो की गिरफ्तारी हुई है, जिसका पूर्व से लूट के केस में एक आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों से पूछताछ करके आगे जो भी हम लोग को सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उस पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।